हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं 2.4 हमने चैनल पर डाल चुके हैं, जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। अब करते हैं 2.5, बिल्कुल इजी है, आइडेंटिटी बेस एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको 10th में भी काम आएंगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगी। तो हम इनको अच्छे से करते हैं, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। इसको आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अगर देखें ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये पहले दोनों नंबर, अगर मैं बात करूं ये पहले दोनों नंबर, ये वाला और ये तो सेम है, ये दोनों अलग है, तो कहीं ना कहीं ये मैच खाती है किससे। अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, वो मेरी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये इस आइडेंटिटी से मैच करते हैं हमारा प्रोडक्ट, तो सेम हमने ये अप्लाई करना है। तो अगर इसमें देखें तो ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, तो सेम यही आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 4 प्लस 10 इंटू में एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी 4 इंटू में 10, बस ये आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 40 प्लस 4 इंटू 10 40। तो ये आ गया आपका इसका प्रोडक्ट, बड़ा ही सिंपल मेथड है। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, सेकंड भी बिल्कुल सिंपल है, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, क्योंकि तभी तो सेकंड कर पाएंगे, है ना। तो करें सेकंड को, कर लेते हैं भाई, सेकंड को भी कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखो, यहां पर एक्स सेम है, दोनों में सेम है ना एक्स, तो है ना। अब देखो ये और ये अलग अलग है, यानी ये इनको मैं ए बी बोल सकता हूं, इसको मैं ए बोल सकता हूं, इसको बी बोल सकता हूं। तो यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या बोलती है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पर ये माइनस है, या तो आप इस तरह को, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको प्लस बना लो, नहीं तो आप एज इट इज ऐसे भी कर सकते हो। देखो ए प्लस बी, यानी ए 8 प्लस माइनस के 10 लिख सकते हो। आप क्या करो, आप इसको बना लो, इसी चीज को ये बना लो, क्या बना लो, क्या बना दे, ऐसे बना लो, इसको मैं बीच में प्लस लगा दूं और ब्रैकेट में माइनस का 10 लिख दो। अब ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी रहेगी, जिसमें हमारा बी क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। और बाहर हमारा मल्टीप्लाई में क्या हो गया, एक्स फिर प्लस में ए बी, ए कितना है 8 और बी है माइनस के 10, बस इतनी सी बात, और क्या करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये देखो प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, तो माइनस का 10 और प्लस के 8, ये माइनस के 2 इंटू में एक्स, 8 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 80। तो ये आ गया आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही थर्ड करेंगे, कर लेते हैं। इस आइडेंटिटी को मैं आपको, मैंने बता दिया, अब मैं यहां पे क्वेश्चन करता हूं, है ना, ताकि स्पेस बन जाए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x+4 मल्टीप्लाई ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी का मतलब ये है, एक्स प्लस ए
और x प्लस बी, इसका मतलब ये है कि पहला दोनों का सेम होना चाहिए। तो दोनों का पहला सेम है, मानते हो सेम है ना। दूसरा ये a है, ये मेरा b है। अब जो कि ये माइनस में है तो इसको प्लस में कैसे चेंज करेंगे, आप क्या करो यहां पे प्लस लगा दो और ये ब्रैकेट में कर दो माइनस के 5। अब मेरा जो b हो जाएगा वो माइनस 5 हो जाएगा। समझ आई बात? तो अब इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कर लेते हैं कैसे। आइडेंटिटी लगा दो, a x प्लस a और x प्लस b, x स्क्वायर, x कितना 3x, x मतलब ये जो पहले वाली टर्म है इसका स्क्वायर, प्लस a प्लस b, a प्लस b कितना है 4, प्लस में माइनस के 5 इंटू में x। देखो ये आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस में ए बी, ये होती है। अब मैंने यही अप्लाई करी है तो x यानी मेरी पहली वाली टर्म ये कितनी है 3x है, प्लस में ए बी, ए कितना है 4 इंटू में माइनस के 5। समझते हो, क्लियर है। अब 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, 4 प्लस का 4 और माइनस के 5। ये देखो ये क्या हो जाएगा बीच में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 5 और प्लस का 4 माइनस के 1, माइनस 1 इंटू 3x माइनस के 3x, इधर 4 5 जा 20 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से वाला है, फ्रैक्शन वाला है, तो बच्चे डर जाते हैं पर क्वेश्चन बिल्कुल, y स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, और ये तो सिंपल आ गया, y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी देवी और सज्जनों, यहां पर क्या लगेगा, देखो यहां पर ये वाली लगेगी, कौन सी वाली, ये वाली a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर देखें तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस हो चुका है। अब एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे और देखो हमारा यहां पर, हमारा ए का काम क्या कर रहा है ये, और बी का काम कर रहा है ये, ए का काम कर रहा है ये और बी का काम कर रहा है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है मेरा वाई स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर ये ध्यान रखना माइनस, बी क्या है मेरा 3/2 फिर उसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर वाई पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया आपका आंसर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चले आगे, यस सर, चलते हैं, कहां चले, कोरोना चल रहा है अभी तो कहां पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पे ही बेस्ड है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 3 माइनस 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2x। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, बट कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये a है ये b है, ये a है ये b है, क्या a और b दोनों सेम दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, क्लियर। अब दोनों, अब उसके बाद देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, मेरा a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2x इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, कांग्रेचुलेशन, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है 2.5 के, बड़ा ही आसान है। इसको देखिए सर क्या दे रहे हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई दे रखी है। बट डियर स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो आप थर्ड क्लास में ही सीख चुके हो, बट यहां पर क्या नया करने वाले हो, यहां पर कैसे करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी यूज करके करनी है, सिंपल नहीं करनी है। ठीक है, जो ये चीज ध्यान रखना। अब बच्चे सोचते हैं नाइन्थ क्लास है यार, इतना आसान सी मल्टीप्लिकेशन आ गई अभी कर देंगे, है ना। बट नहीं, इसको कैसे करना है, आइडेंटिटी लगा के। कौन सी लगाएंगे, यहां पर क्या लगेगा देवियों और सजनों, यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं 100+3 लिख सकता हूं, है ना, और 100+7 लिख सकता हूं। तो आप याद कीजिए, अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अपनी याददाश्त स्लाइड कीजिए, अभी किया था, किससे मैच कर रहा है ये, x+a और x+b इससे मैच कर रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x square यानी 100 का स्केयर प्लस a प्लस बी, a कितना है मेरे पास, ये देखो 3 प्लस बी कितना है 7 इंटू में x कितना है 100, x कौन सा होता है ये पहले वाला, प्लस में a कितना है 3 इंटू में 7, बन गई बात। कैसे, 100 का स्केयर 2 जीरो का स्केयर 4 जीरो नहीं 4 जीरो, है ना, प्लस 3+7 10 10 इंटू 100 1000, बन गई बात, +21। अब इसको कैसे जोड़े, इसको ऐसे जोड़े जैसे किसी से पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं, कितने हैं भाई 10,000 है, 1000, 11,000 और 21, तो 11,021 रुपीज मेरे पास आ चुके हैं। ये हुआ आपका आंसर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उससे पहले क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, तभी तो कर सकते हैं आगे, रब नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। 95 into 96 याद कीजिए, थोड़ा सा सोचिए किससे हो सकता है 95 और 94। मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको 90+5 और 90+6 भी लिख सकता हूं, तो बात में मजा नहीं आएगा। 100 के आसपास ले जाता हूं मैं इसको, इसको मैं 100 100-5 लिख दू और 100-4 लिख दू, लिख सकता हूं 100-5 और 100-4 लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, ये मैच किससे कर रही है, इसको मैच करने के लिए आपको इस तरह से कर दो, बीच में प्लस लगा दो, ये माइनस का 5 हो गया और ये 100 में, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। देखो अगर मुझे करना है तो मुझे क्या डाउट है, मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको बीच में प्लस दिखे और आप कंफ्यूज ना हो। तो अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, मिल गया क्या x+a x+b मिल चुका है हमें। अब तो बस आइडेंटिटी लगानी है, लगा देते हैं। x क्या है मेरा, x का स्केयर 100 का स्केयर प्लस में a+b, a कितना है, दोनों ही नेगेटिव है यार, माइनस का 5 और प्लस में माइनस का 4 इंटू में x कितना है 100 है, प्लस ab कितना है, a कितना है माइनस का 5 है, b कितना है माइनस का 4 है। तो लॉजिकली चलते हैं, बड़ा लॉजिकली, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, क्या कह रहे हो। अब अगर देखो ये आइडेंटिटी लगाई है मैंने, x यानी 100 का स्केयर, a+b यानी -5 और -4 इन दोनों को जोड़ दिया, इनटू में x यानी ये 100 है, ab प्लस में ab ये दोनों की मल्टीप्लाई। अब बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं क्या करेंगे। देखो 100 का स्केयर यहां पे अगर मैं करता हूं इस तरफ, 100 का स्केयर क्या होगा 40। अब देखो माइनस का 5 और माइनस के 4, माइनस के 9
और मल्टीप्लाई में 100 तो माइनस के 900, माइनस 5 और माइनस 4 माइनस माइनस की जब प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस 20। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है इसको अब जोड़ना कैसे है? 10,000 में से अगर हम 10,000 में से 900 चले जाए तो हमारे पास क्या बचेंगे, 9,100 बचेंगे। मानते हो 900 किसी को दे दिए, 20 रुपीज फिर कोई हमें दे जाता है तो हमारे पास कितने बचेंगे, 9,120 रुपीज। तो ये आंसर है, ये रुपीज में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन चीजों को आप रुपीज में कैलकुलेट करो सही रहेगा। अब इसको लिखना नहीं है कि आप 000 लिखो फिर ऐड करो, माइंड में प्रैक्टिकली सोचो इसको। तो ये आंसर है, क्लियर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले क्या करेंगे, रब करेंगे। रब क्यों करेंगे, रब करेंगे तभी तो स्पेस बनेगा और स्पेस बनेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसलिए माइंड को भी कंफ्यूज मत रखो, माइंड को भी रिलैक्स रखो। माइंड कंफ्यूज रहेगा, माइंड में स्पेस नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो अब देखो इसको याद करो, अपनी मेमोरी स्लाइड करो, है ना। वो बोलते हैं ना यार शंख पुष्प भी पीनी चाहिए, शायद बोलते हैं याददाश्त के लिए, बट नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप बादाम खा सकते हो, नहीं खा सकते हो तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, भगवान का नाम लो, ठीक है, और क्वेश्चन करो अच्छे से। अब देखो इसको क्या करें, 104 और 96 ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 100+4 और 100-4। याद कीजिए, याद करिए ये किससे मैच हो रहा है, याद करिए। कर्ण अर्जुन ने तो अपनी पिछली मेमोरी याद कर ली थी सारी, है ना, और तुम्हें तो सिर्फ ये छोटी सी मेमोरी करनी है कि किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, याद आ गया क्या, ये मैच कर रहा है a+b और a-b से मैच कर रहा है। कर गया मैच, कर गया। अब कर गया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या होता है ये a²-b² बस लिख दो, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 मतलब 10,000 माइनस 16। अब देखो 10,000 में से 16 रुपीज माइनस करने हैं तो कितने बचेंगे, 9,900 और साथ में जो वो 100 है उसमें से 16 निकाल दो तो 9,984 रुपीज बचेंगे। क्या मैं सही हूं, 10,000 में से मैंने 16 रुपए किसी को दे दिए। अब इसमें ये मत करने बैठ जाना 16 लेके फिर यहां कैरी लो, वन लो वन लो, भाई इस चीज से निकलो। अगर इन्हीं चीज में पड़े रहोगे तो कहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहां स्टैंड करोगे, है ना। कुछ अलग करने की, छोटी छोटी चीजें अलग करोगे ना तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए आपका क्या करते हैं कि वो बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है ना। तो देखो 10,000 में से 9,000 तो चले गए, 16 माइनस कर रहे 900 और बच के, उस लास्ट वाले 100 में से 16 उड़ा दो 84 तो 9,984, है ना, चले आगे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करेंगे, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। कोई आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस चैप्टर में, इस पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में मैंने सारी आइडेंटिटी आपको लिख के बताई हुई है कौन कौन सी लगेंगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, और नहीं तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा आपका, ठीक है। अब देखो यूजिंग आइडेंटिटीज, अब इसको देखो ध्यान से, 9x² 6xy² कहीं ना कहीं तीन टर्म है, दो में स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं मैच किससे कर रही है, ये हमारे इससे मैच कर रही है a+b² से, जो कि क्या होता है a² + 2ab और ब्रैकेट + b² ये देखो।
पहले ए स्केयर है फिर बी स्केयर है या बीच में ए बी है तो इसके साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही है, तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्केयर तो है इस नाइन को मुझे 3x और इसका होल स्केयर लिखना पड़ेगा, ऐसे मत लिखना 3x स्केयर, ये गलत है, 3x का होल स्केयर लिखना पड़ेगा, ये खत्म। अब ये बन गया मेरा, ये काम कर रहा है मेरे a का काम कर रहा है यहां पर a का स्केयर, ठीक है। प्लस प्लस में क्या करना है मुझे 2ab 2 into a कितना है मेरा 3x है और b कितना है, b तो देखो y स्केयर ही है तो y ही होगा और यहां पे प्लस में मैं लिख सकता हूं y का स्केयर, बड़ा ही सिंपल है। तो बस इसको चेंज करना था मुझे, अब ये बन गया मेरा देखो a का स्केयर और ये 2ab और ये b का स्केयर, देखो ये बन गया आपके सामने, आइडेंटिटी यूज होगी, बस अब ये आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, तो ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर क्या होता है, a प्लस b का स्केयर, तो a प्लस b यानी a क्या है मेरा 3x और प्लस में b 3xy का स्केयर, तो 3xy के स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूं, स्केयर है दो बार लिख सकता हूं, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब उसको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। समझ आया, क्लियर है, चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, रब क्यों करेंगे, रब करेंगे तभी तो क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1, इसमें भी तीन टर्म है, इसमें भी एक स्क्वायर है बट माइनस आ रहा है, कहीं ना कहीं ये a माइनस b स्क्वायर से मैच कर सकती है शायद, मेरे कर्म अर्जुन आएंगे, ए स्केयर माइनस 2ab, ये मैंने क्यों बोला ताकि आप अपनी मेमोरी में सोचते रहो भाई, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इस तरह से होता है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस है इसलिए तो 2ab वाली बनेगी, अब ये वाली तो बन सकती है, इसको मैं लिख सकता हूं 4y को 2y का स्केयर लिख सकता हूं, इस वन को मैं लिख सकता हूं 1 का स्केयर, यहां पे प्लस लगा दिया, अब क्या है, अब ये बीच वाले तो अपने आप ही बन जाएगा 2a, a कितना है 2y और इनटू में 1, आप देखो क्या यही बन रहा है 2y का स्केयर 4y स्केयर, 4y 2 2 जा 4y 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो बन गई बात। अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत कैसे, अब ये बन गया हमारा a माइनस b का स्केयर, तो a क्या है हमारा, a ये है और b क्या है हमारा, ये है, तो 2y माइनस 1 का स्केयर, तो 2 माइनस 1 y 1 का स्केयर दो बार लिख दो, एक बार ये, बस ये हो गया प्रोडक्ट, सिंपल है, बड़ा आसान है, थोड़ा सा समझना है, फ्रेश माइंड से चलना है ना, कई बार मेरे में अनुमानिक आ जाता है, चलो आगे चलते हैं, चले आगे, इसको रब करते हैं, रब कर देते हैं, रब करेंगे क्यों करेंगे, रब करेंगे क्योंकि तभी तो स्पेस बनेगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। जब भी दो स्क्वायर हो तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि कहीं ना कहीं उसका ए स्केयर माइनस बी स्केयर से कुछ रिश्ता है, कुछ पुराना रिश्ता है, जैसे कर्ण अर्जुन का पिछले जन्म का रिश्ता था, ऐसे ही जब दो आइडेंटिटी दो स्केयर की बात आती है और बीच में माइनस हो तो मुझे लगता है कि इनका इसके साथ कहीं ना कहीं संबंध है, कोई पुराना रिश्ता है, तो देखो बन रहे हैं ना दो, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होते हैं, ये होते हैं, मानते हो, अब देखो बट यहां पर ये तो एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, नीचे वाला तंग कर रहा है, ये हमारा रिलेशन खराब कर रहा है,
ये कर्ण अर्जुन का रिलेशन नहीं बनाने दे रहा, तो इसको क्या सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? अगर मैं इस 100 को अगर मैं 10 का स्केयर लिख दूं तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी ना, बन जाएगी। कैसे बनेगी? अब मैं x स्केयर लिख सकता हूं, ये इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो इन दोनों का होल स्केयर लिख सकता हूं। मानते हो बात? बस अब क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।